मैं सारणी शिक्षक और बच्चों दोनों के लिए ही एक मार्गदर्शिका है, एक आधार है। आज इसी समय सारणी पर बातचीत करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं शिक्षाविद श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी। हाँ तो त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि समय सारणी की अवधारणा क्या है। हम लोग कैसे स्पष्ट करें अपने शिक्षक और बच्चों को कि समय सारणी क्या है? नीरज जी, समय सारणी एक ऐसा लेखा है जिसमें इस आशय के इस तरह के विवरण होते हैं कि किन शिक्षकों द्वारा किन कालांशों में, किस अवधि में, किस समय क्या शिक्षण किया जाएगा। ये एक ऐसा प्रपत्र है जो विद्यार्थियों और शिक्षकों को पाठ्यचर्या के विभिन्न अंशों के संबंध में समय का निर्धारण करता है। सामान्यतया प्रत्येक विद्यालय का एक वार्षिक पंचांग होता है, वो भी एक प्रकार की समय सारणी। मासिक पाठ्यचर्या का विभाजन होता है और एक साप्ताहिक विभाजन होता है। पाठ्यचर्या का जो साप्ताहिक विभाजन है, ये सामान्य रूप से हमारे विद्यालयों में समय सारणी के नाम से समझी जाती है। समय सारणी एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे लक्ष्य को प्राप्ति की दिशा को निर्धारित करता है। हम अपने वर्ष भर के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में किस समय तक सक्षम होंगे, इस आशय का भी अनुमान पाठ्य समय सारणी के माध्यम से लगाया जाता है। अच्छा त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि प्रमुख उद्देश्य क्या होता है समय सारणी का, प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? वास्तव में समय सारणी का मुख्य उद्देश्य कई प्रकार से देखा जा सकते हैं। पूरे वर्ष भर के पाठ्यक्रम को मासों और सप्ताहों में कैसे विभक्त करें और उनको कैसे पूर्ण करें, यह सुविचारित कार्य योजना को समय सारणी के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। तो पहला लक्ष्य तो हुआ कि पाठ्यक्रम का निश्चित समय में पूर्ण करना। दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो विद्यालयी गतिविधियों का सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करना, सुचारू रूप से संचालन। एक समय सारिणी संस्था के नियमन का कार्य करती है, संस्था के अनुशासन बनाने का कार्य करती है। तो यह भी मुख्य उद्देश्य है कि समय सारिणी अनुशासन स्थापित करने में सहायक। चूंकि समय सारिणी के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किए जाते हैं और उस सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, वाद विवाद के कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम, कार्यानुभव के कार्यक्रम। जब हमारे पास विषयों का समय सारणी होगी, विषयों के लिए समय सारणी होगी, तभी हम ये वाद विवाद के कार्यक्रम ये सब सुचारू रूप से हम विद्यालयों में करवा सकते हैं। ठीक। अच्छा प्रज्ञा जी, अभी त्रिपाठी जी के बताने के बाद ऐसा लगा कि समय सारणी, यदि हम बताएं बच्चों को कि समय सारणी क्या है, तो एक साधारण रूप से, सरल रूप से हम बता सकते हैं कि अपने किसी भी कार्य योजना का जो समय विभाजन चक्र है, वही समय सारणी है।
इससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं कि समय सारणी क्या है। और उद्देश्य में यदि बताना हो तो समय सारणी का सबसे पहला लक्ष्य है कि हम अपनी कार्य योजना को सुचारू रूप से, सुनियोजित रूप से और अनुशासित रूप से चलाने का कार्य समय सारणी से ले सकते हैं। तो त्रिपाठी जी, अब अगर हम इस बात पर विचार करें कि समय सारणी बनाते समय हम लोगों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये ज्यादा लाभप्रद होगा और समय सारणी बनाने वालों के लिए उपयोगी होगा। विद्यालय की समय सारिणी संस्था के प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के हाथ में सबसे बड़ा सशक्त हथियार होता है, अस्त्र होता है। और समय सारिणी का निर्धारण करना विद्यालय के कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन भी करता है। किन विषयों को अधिक महत्व समय सारिणी में देना चाहिए, कितना अधिभार देना चाहिए, कितना समय उनके लिए नियत होना चाहिए, कौन सा समय नियत होना चाहिए, इन बातों का समझना बहुत आवश्यक है। कक्षा 1 और 2 में सबसे अधिक बल दिया जाता है कि जो भाषा सीखकर बच्चा घर से आया है उस लिपि का, उस भाषा का ज्ञान कराना, यानी अर्थात उसको प्रथम भाषा मातृभाषा। कहेंगे, मातृभाषा। तो मातृभाषा पर 25% समय समय सारिणी में दिया जाना चाहिए कक्षा 1 और 2। इसी प्रकार से गणित, जोड़ना, सामान्य, घटाना, गिनती का ज्ञान इत्यादि, यह भी प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में। इसमें 10% का समय जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनका मत है कि 10% समय इसमें रखा जाना क्यों? चाहिए। इसलिए कि भाषा जो बच्चा घर से सीख कर आता है उस भाषा पर अधिक बल दिया जाए, और प्रारंभ में गणित की क्रियाएं शिशु मन के या बाल मन के को बोझिल न लगे, इसलिए इतना ही समय देना आवश्यक है। मतलब गणित थोड़ा बोझिल और नीरस। नीरस न हो जाए विषय। गणित बहुत ही आनंददायी अच्छा, है, मतलब बाद के विषय है, गणित। लेकिन वह अधिक बल देने से, अधिक समय देने से बोझिल न महसूस करे, अनुभव करे बच्चा, इसलिए उसमें कम इसलिए समय देंगे। उसमें 10% बच्चों को समय। मतलब शुरू में ही बोझ लगने लगे तो बाद में बच्चे उसमें जो है तो गणित का आनंद लेना सीख जाए, इसलिए उनकी खेल की क्रियाओं में, उनकी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उन्हीं में आनंद लेते हुए उनको गणित के शिक्षण का अभ्यास कराया जा सकता है। पाठ्य हमारी समय सारिणी इस प्रकार नियोजित की जाए कि गणित का ज्ञान अन्य समस्त कार्यों के साथ साथ भी होता रहे। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान पर 15% समय देने की बात है, और शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, खेलकूद, स्वास्थ्य, इन सब बातों पर 25% बल देना चाहिए अच्छा, 1 और 2 के साथ। कक्षा 1 और 2 में मतलब आपके कहने के अनुसार कि खेल कूद की उसमें सारे प्रोग्राम, सारे उनको जितने भी उनके विषय हैं वो खेल कूद करके उनको समझाने चाहिए, मतलब कि उसको खेल कूद के उसमें लाके। ठीक है, कार्य अच्छा। अनुभव के संदर्भ में भी 25% का समय दिया जाना चाहिए। कार्य करके, कार्य का अनुभव, जो जो बच्चों को श्रम के प्रति भी आदर, तो जो सामान्य स्वच्छता के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के जो कार्य अनुभव के कार्यक्रम हैं, उनमें भी 25% का समय दिया जाना चाहिए। हमें ये बताएं कि कक्षा 3, 4, 5 के लिए हमारी समय सारणी में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कक्षा 3, 4, 5 में भाषा को, जो प्रथम भाषा होती है, उसको 25% स्थान मिलना चाहिए। प्रथम भाषा से आपका मतलब है मातृभाषा। मातृभाषा से, मातृभाषा। गणित को
15% स्थान समय सारणी में मिलना आवश्यक होता है, 3 से 5। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में 20% और कार्यानुभव के कार्यक्रम, उदाहरण के लिए स्वच्छता है, मिट्टी का काम, कुछ कौशल, हस्त कौशल, कताई बुनाई इत्यादि अनेक कार्यक्रम हो सकते हैं। त्रिपाठी जी, श्रव्य दृश्य के लिए भी समय सारणी में एक स्थान होना चाहिए। हाँ, श्रव्य दृश्य के लिए समय सारिणी में वो स्थान नियत करना चाहिए जिस समय रेडियो या दूरदर्शन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। विशेष रूप से जो बालोपयोगी अंश शिक्षण की दृष्टि से प्रसारित किए जाते हैं, उनके लिए समय सारिणी में समय का कालांश का निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है। और इस आशय के निर्देश हमारे शिक्षा विभाग में, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से दिए गए हैं कि रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं उनके लिए समय सारिणी में स्थान निर्धारित किया जाए। लेकिन वो स्थान निर्धारित करते समय ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि प्रसारण समय क्या है। हाँ, इसकी जानकारी SIET के माध्यम से और शिक्षा विभाग के दूसरे एजेंसीज के माध्यम से देना, आकाशवाणी के माध्यम से देना। समय सारिणी में कक्षा 3 से 5 तक शारीरिक शिक्षा अर्थात व्यायाम, PT, खेल कूद, इन कार्यक्रमों में विशेष बल दिया जाना आवश्यक। 20% समय इन कार्यक्रमों के लिए देना उपयोगी होगा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, विशेष करके उनके शारीरिक विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार समय सारिणी एक ऐसा अस्त्र है शिक्षक के हाथ में, विशेष रूप से प्रधानाध्यापक के हाथ में, जिसके माध्यम से बालक बालिका के विकास के लिए समस्त कार्यक्रमों को नियोजित और क्रियान्वित किया जाता है। तो प्रज्ञा जी, त्रिपाठी जी की वार्ता से ये स्पष्ट हुआ कि जो समय सारणी है उसको बनाने के लिए मात्र प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य ही सर्वोपरि नहीं है, उसके लिए अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं और विषयों से संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का भी सहयोग लेना जरूरी है, बच्चों की क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है और अपने सरकार द्वारा परिचालित योजनाओं को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी एक समय सारिणी संपूर्ण और उपयोगी समय सारिणी बन सकती है। अच्छा नीरज जी, आप हमें एक बात बताइए कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बच्चों से भी पूछें कि उनको कौन सा विषय किस समय में ज़्यादा समझ में आता है, या वो क्या हमें बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों से भी पूछना चाहिए कि उनको कौन सा विषय कब किस समय पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा उनका मन लगता है। हाँ, वो तो अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि बाल मनोविज्ञान को आधार मानते हुए समय सारणी का निर्धारण होना चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान को आधार मानने का तात्पर्य यही है कि शिक्षक बच्चों की मना स्थिति को ध्यान में रखे, उनसे बातचीत करे और फिर उस बातचीत को प्रधानाचार्य तक पहुँचाए और फिर मिलकर के समय सारणी निर्धारित हो जिससे कि पूरा विद्यालय का वातावरण अनुशासित हो और हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकें।